हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में मैंने अपना एवरीडे क्लीनिंग रूटीन शेयर किया है और कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग और होम मेकिंग मोटिवेशन है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। डेली क्लीनिंग रूटीन में मैं पूरा घर एक बार में साफ़ नहीं करती हूँ और ये पॉसिबल भी नहीं है। ऑल्टरनेट डेज में मैं पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, लेकिन जो बेसिक सर्फेसेज हैं वो मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ। किचन का काउंटर स्पेस एक से ज़्यादा बार साफ़ होता है। डाइनिंग टेबल और लिविंग रूम का फर्नीचर मैक्सिमम मैं डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। टीवी यूनिट के ऊपर जो भी मैंने शो पीसेज रखे हैं वो रेगुलर बेसिस पे साफ़ होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई गेस्ट घर पे आ जाए तो उसे ये ना लगे कि घर कितना डस्टी है, कितना गंदा है, क्योंकि गेस्ट जब सबसे पहले घर में एंटर होते हैं तो यही वो स्पेस है जहाँ पर वो बैठते हैं। तो लिविंग रूम मैं हमेशा साफ़ ही करती हूँ, चाहे बाकी चीज़ें मैं स्किप कर दूँ, घर की डस्टिंग बाकी स्किप कर दूँ, लेकिन लिविंग रूम जो है वो मेरा हमेशा क्लीन रहता है। पूरे घर के फ्लोर्स की वैक्यूम क्लीनिंग और मॉपिंग ये भी डेली बेसिस पे होती, लेकिन एक ना एक ऐसा एक्स्ट्रा काम मैं डेली ज़रूर करती हूँ जो रूटीन क्लीनिंग से हटकर होता है, ताकि घर ऑर्गेनाइज रहे, मैनेजेबल रहे। लिविंग रूम की डस्टिंग करने के बाद किचन एरिया मैंने पूरा अच्छे से क्लीन किया। किचन का काउंटर टॉप, गैस टॉप और बैक साइड की वॉल पे टाइल्स लगे हुए हैं तो उनको भी मैंने क्लीन किया। काउंटर टॉप पे कंटेनर्स रखे हुए हैं जो डेली बेसिस पे कुकिंग में काम आते हैं, वो मैंने काउंटर टॉप पे ही रखे हुए हैं तो उनको भी मैंने आज के दिन साफ़ किया। किचन ड्रॉर्स को साफ़ किया। और ये टाइल्स और ड्रॉर्स मैं डेली बेसिस पे साफ़ नहीं करती हूँ, जब भी लगता है कि गंदे हो गए हैं, स्पॉट्स इसमें आ गए हैं, तब मैं साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने इन सबको पूरा अच्छे से क्लीन किया। कुछ टाइम पहले से ही मैंने ये किचन में स्प्रे यूज़ करना शुरू किया, और इससे पहले मैं गैस स्टोव साफ़ करने के लिए सिर्फ यूज़ करती थी। सिर्फ भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा साफ़ करते वक्त ज़्यादा टाइम लगता है। और ये स्प्रे से जो ग्रेनाइट है, गैस स्टोव है, इवन टाइल्स भी आजकल मैं इससे साफ़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो किचन में अभी मैं फ़िलहाल यही स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। और ड्रॉर्स को साफ़ करने के लिए मैंने ये मल्टीपर्पज़ स्प्रे यूज़ किया है, जिससे मैं अपना घर का जो वुडन फर्नीचर है वो भी मैं क्लीन करती हूँ। किचन ड्रॉर साफ़ करने के बाद किचन की ग्लास विंडो साफ़ की, उसके बाद मैंने फ्रिज का डोर जो है बाहर से साफ़ किया, और डाइनिंग टेबल साफ़ करने के बाद मैंने पूरे जो लिविंग रूम के फ्लोर्स थे उनको वैक्यूम क्लीन और मॉपिंग की। और आज मुझे डस्टिंग करने के लिए एक ही रूम था, क्योंकि एक रूम में मेरे हस्बैंड ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तो मास्टर बेडरूम आज मैंने पूरा क्लीन नहीं किया, लेकिन अपनी बेटी का रूम उसको मैंने अच्छे से पूरी डस्टिंग करी और उसके फ्लोर्स की भी, उसके रूम के फ्लोर्स की भी वैक्यूम क्लीनिंग और मॉपिंग करी। कारपेट को मैंने फ्लोर से हटा दिया था ताकि अच्छे से फ्लोर साफ़ कर सकूं, और पहले सोचा था कि वैक्यूम क्लीन करने के बाद सिंपल मॉपिंग करूंगी, लेकिन फ्लोर थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा था तो पहले मैंने पूरा वैक्यूम क्लीन किया और उसके बाद मैंने मॉप हेड चेंज करने के बाद मैंने पूरे घर में स्टीम मॉपिंग की। और आजकल इतने टाइम से हम लोग जब घर में ही हैं तो सारा रूटीन जो है काफ़ी चेंज हो गया है, और क्लीनिंग रूटीन भी मेरा फिक्स नहीं है। इन जो कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तब तक मैं वैक्यूम नहीं करती हूँ फ्लोर्स को, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ करता है तो डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैं जब इंजू की क्लासेस पूरी हो जाती हैं तब उसके बाद मैं लास्ट में वैक्यूम क्लीन करती हूँ। उससे पहले मैं अपने घर की जो भी डस्टिंग करनी होती है या
ब्रेकफास्ट और बाकी सारी चीज़ें वो मैं अपना काम पूरा कर लेती हूँ, और वैक्यूम क्लीनिंग जो फ्लोर की है वो मैं क्लासेस पूरी हो जाने के बाद पूरे घर के फ्लोर्स जो हैं वो क्लीन करती हूँ। क्लीनर के बैक साइड पे एक छोटा सा वाटर टैंक है जिसमें मैंने अभी पानी फिल कर लिया है, और पूरे फ्लोर्स को अभी मैं स्टीम मॉप करूँगी। इससे पहले मैंने पूरा वैक्यूम क्लीन कर लिया था पूरे फ्लोर को, और जिस दिन मैं स्टीम मॉपिंग करती हूँ उस दिन कोशिश करती हूँ कि सारा सामान थोड़ा हटाकर अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि स्टीम मॉपिंग से फ्लोर बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं, डस्ट बहुत अच्छे से क्लीन होती है स्टीम मॉपिंग से, और डिसइनफेक्ट तो करता ही है फ्लोर्स को। तो यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल की सारी चेयर्स हटाकर अच्छे से डाइनिंग टेबल के नीचे पूरा साफ़ कर लिया है, और इसके बाद मैं इंजू के रूम में जाकर उसके रूम की डस्टिंग, जो बेसिक डस्टिंग है वो करूँगी। इंजू का स्टडी टेबल भी मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं इंजू की स्कूल की और कमॉन की, तो काफ़ी सारा टाइम वो यहाँ पर स्पेंड करती है, और कई बार ब्रेकफास्ट और स्नैक्स इसी टेबल पे खाती है, तो इसको भी मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। इस रूम के फ्लोर्स को वैक्यूम क्लीन करने के बाद मैंने अच्छे से स्टीम मॉप किया, और सबसे लास्ट में जो मेरा लीस्ट फेवरेट काम है घर के कामों में से वो है कपड़े फोल्ड करना। धुले हुए सारे मैंने कपड़े फोल्ड किए और इस दिन की जो क्लीनिंग थी वो पूरी ख़त्म की। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।